भाई लोगों को बड़ी उम्मीद से आया था कि उम्मीद भवन देखूंगा, लेकिन कुछ भी बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। जोधपुर का उम्मेद पैलेस, उम्मेद भवन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज मैं इसी का वीडियो बना रहा हूँ और दिखाऊंगा अंदर से कैसा है। वाकई में गाइज मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। चलिए हम दिखाते हैं आपको अंदर से और करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। उम्मेद पैलेस के यहाँ पहुँचने पर आपको एक बहुत बड़ा सारा गार्डन दिखेगा और यहाँ पर सभी एंट्री है इसके अंदर से। अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। गेट से एंट्री लेते ही गाइज आपको एक बहुत बड़ा सारा एक हॉल दिखेगा। इसमें अभी फोटो गैलरी लगी हुई राजा महाराजाओं की फैमिलीज की। ऊपर देखो छत दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। ये ओपन छत है यानी खुली हुई छत है। ये इसका यहाँ पे 3D मॉडल तैयार करके बनाया हुआ है। अब मैं बताऊँ कि गाइस मैं इस वक्त यहाँ से एंट्री लेकर के और इस जगह से एंट्र हुआ हूँ और इस वक्त जो हॉल देख पा रहे हो ना आप, ये इस हॉल में यहाँ पर हूँ। कह रखा है कि यहाँ पे एक ताज होटल है ना, उन्होंने भी इसको रेंट पे ले रखा है और ये होटल को ही दे रखा है ये। अब देखो गाइस कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है गाइस ये, है ना। अब ये देखो इनके राजा महाराजा है ना, इनके यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है आप देख सकते हो इसमें। बाकी एक उम्मेद सिंह महाराजा की जो हिस्ट्री है ना कंप्लीट यहाँ पे लिखी हुई है, देखना आप पढ़ सकते हो आप इसको। इस महल के लेफ्ट साइड में से आपको गैलरी जा रही है, उसमें से इधर की तरफ और आगे बढ़ना है आपको। और ये तो क्या अभी लेटेस्ट 1943 में तो बन करके तैयार हुआ ही है। फोटो गैलरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी फोटो लगाई है इसमें। देखो यहाँ के जो बर्तन वगैरह यूज करते होंगे उनकी यहाँ पे म्यूजियम बनाया हुआ है। ये देखिए आप सोफे वगैरह, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें हैं अभी की और ये यूज करते हैं ना राज परिवार वाले। देखो कांच वगैरह के कई सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, पात्र रखे हुए हैं। ये देखो भाई कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, देखो ये दिख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको उसमें। और ये देखो टेबल्स वगैरह कितनी बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा बाहर का परिसर है, पत्थर ही पत्थर यूज किया हुआ इसमें, सीमेंट के नाम पे चूने के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो बड़ा पत्थर इसको बनाया और इसको ऐसे अटैच करके यहाँ पे रख दिया, चूने का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब ये भी गैलरी है शायद, फोटो गैलरी राजा महाराजाओं की। ये राजा महाराजाओं की, ये महाराजा तो अभी शायद जीवित भी है। कितने गजब। ये देखो आज से करीब 80 साल पहले बनी हुई चीजें, एंटिक चीजें रखी हुई, वॉच वगैरह। ये भी देखो वॉच, इनमें हीरे जवाहरात वगैरह जड़े हुए हैं। मतलब वॉच का कुछ ज्यादा ही शौक था, कितनी वॉच रखी हुई अलग अलग तरह की। ये पूरा ही वॉच का सीजन है। ये देखो ये भी वॉच ही रखी हुई है, ये भी घड़ियाँ भाई, और अभी भी वर्क करती होगी आई थिंक ये घड़ियाँ जितनी भी है ना गाइज, कम से कम 100-150 घड़ियाँ हैं टोटली। ये देखो ये भी घड़ियाँ हैं, देख पा रहे हो ना आप जितनी भी घड़ियाँ, सब घड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखो कैसे कैसे डिजाइंस दे रखी है उन घड़ियों में। ये देखो भाई लोगों को बड़ी उम्मीद से आया था कि उम्मीद भवन देखूंगा, लेकिन कुछ भी बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर। छोटी सी जगह के ऊपर एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है और उसके बदले पूरा तो कम से कम 7-8 किलोमीटर से दूर तो मैं आया और मेरी जो अच्छी लोकेशंस थी उनको छोड़ करके मैं आया। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसी कुछ चीज़ बता ना आप, तो यहाँ पर बाहर से ही बस फोटो में ही अच्छा दिखता है और कोई मतलब नहीं। अंदर घूमने के लिए तो अलावा ही नहीं करते, तो क्या मतलब है यहाँ। गई 7-8 किलोमीटर से दूर इस चीज़ को देखने के लिए आया था कि उम्मेद भवन उम्मीद के हिसाब से अच्छा होगा, बट कोई मतलब नहीं है। मेरे यहाँ पे 60 रुपये लग गए, कोई मतलब नहीं है। हालांकि दुख किसी चीज़ का नहीं कि 60 रुपये लग गए, ये है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बना करके थोड़ा सा एक जगह दे रखी है लोगों को यहाँ पे, सिर्फ म्यूजियम डाल रखा और कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको एक होल टाइप की जगह है और कुछ नहीं, पीछे जैसे कि आपने देखा ना वीडियो में सिर्फ वो जगह थी, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आना मत, मैं तो ये कह रहा हूँ मत आना इस जगह के ऊपर। सोचो कि मैं अगर इसकी बुराई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर आने का। मैंने दिखाया कि हॉल है उसमें कुछ फ़ोटो लगा रखी है, तस्वीरें लगा रखी है, घड़ियाँ लगा रखी है, एंटीक घड़ियाँ जो आपके को काम की है नहीं, ना कुछ और चीज़ें हैं घूमने के लिए, कुछ जगह है नहीं। और ये जो पीछे का एरिया ये ताज होटल वालों ने ले रखा है, तो उनके यूज़ के हिसाब से अगर आप लेते हो तो ऑनलाइन आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी।
तब जाकर के आपको इसमें होटल वाले एंट्री देंगे, जो कि हाई रेट्स होगी, करीब 50,000 1,00,000 2,00,000 रुपए तक इसके रूम रेंट की वहाँ पे रेट है। उम्मीद भवन में आप घूमने के हिसाब से तो आना मत। मेरा तो जो समय है ना वो ख़राब हुआ और कुछ नहीं, क्योंकि 7-8 किलोमीटर से आया, मेहरानगढ़ दूर का ना दूर पड़ता है थोड़ा, वहाँ से आया। उसके अलावा मैं कोई और जगह देखता तो शायद अच्छा होता। अब खैर जाऊँगा, देखूँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो जाऊँगा, नाइट हो जाएगी तब तक। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, कि इसकी स्टोरी यह है, एक यहाँ के राजा को किसी संत ने श्राप दिया था कि आपके राज्य में काल पड़ जाएगा, तो अकाल पड़ गया और उसकी वजह से यहाँ क्या है कि जो जनता है भुखमरी से मरने लगी और त्राही त्राही करने लगी। तो उन्होंने राजा से कहा कि हमारे को रोज़गार दीजिए। तो राजा ने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ा महल बनवाया जाए, एक भवन बनवाया जाए, जिससे क्या है कि लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और इससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो उसमें क्या है कि फिर लोगों को रोज़गार मिला और उसकी वजह से ये 1943 ईस्वी में उम्मेद भवन बन करके तैयार हुआ है, जो आज एक होटल के रूप में तब्दील होकर के रह गया। इनको सिर्फ इनकम चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया है, बाकी और सेंस ऐसा कुछ है नहीं। ये छोटी सी इसकी स्टोरी थी कि श्राप देने के बाद में उसको अकाल पड़ा इसकी जनता के यहाँ पे, और उन्होंने रोज़गार देने के हिसाब से इसको बनाया है इस चीज़ को। ठीक है, मतलब टूरिस्ट के लिए, पब्लिक के लिए बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो कि मतलब बहुत अच्छा ऐसा नहीं है देखने के लिए, थोड़ी सी जगह है, मतलब ये जैसे यहाँ से लेकर के और पीछे तक का जो एरिया है ना, यूँ कहे कि 100 में से सिर्फ 10% ही लोगों के लिए है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें ये भी हो जाती कि खूबसूरत है ये बिल्डिंग, अगर हमारे को वहाँ तक भी जाने देते ना तो हम मान लेते कि यहाँ हमारे पैसों की वसूली हो गई है और कोई भी सेंसिस में नहीं है। बाकी ये चीज़ है कि ये पत्थरों से बनाया हुआ पूरा का पूरा, ये चीज़ मुझे देखने लायक अच्छी लगी। और इसमें है ना पत्थर सीमेंट का शायद यूज़ ही नहीं लिया हुआ, इसमें पूरा कम्प्लीटली पत्थर से बनाया हुआ। तो बैड एक्सपीरियंस है मेरा तो उम्मेद भवन को देखने के अकॉर्डिंग। बाकी खूबसूरत है बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी हुआ, बट आना मत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें मत आना। वीडियो देख लिया आपने, वही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये मान के चलिए, यकीन मानो कि मैं बुराई किसी की ऐसे ही नहीं करता, बहुत सोच समझ के करता हूँ। एक्चुअली पहले तो टाइम ख़राब हो गया मेरा, आया 7-8 किलोमीटर से आए, हम एक दो चक्कर लगा दिए, पहले हम दूसरे रास्ते में चले गए, फिर इधर से और ऊपर से धूप गर्मी, हालत ख़राब हो गई। चलिए फिर किसी और जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ का वीडियो बनाते हैं। नमस्कार। इस वाला जो एरिया है ना महल का, ये इधर वाला हिस्सा, इसमें रहते हैं राजा की फैमिली, और ऊपर आगे की तरफ जो है ना वहाँ पूरा होटल का एरिया है, और करोड़ों रुपए इसका होटल का रेंट आता होगा। ये कुछ टूरिस्ट भी आए हैं और मुझे लग रहा है कि ये भी हताश होकर के जा रहे हैं। और मैंने कई लोगों से पूछा, सबका यही था कि यार वो मज़ा नहीं आया कि दिखाया, मतलब जो सुंदर चीज़ थी ना, सोचा तो कुछ अच्छी चीज़ थी बट उसके अकॉर्डिंग ये निकली नहीं। यहाँ से लिए थे हमने होटल के टिकट, इसके रूम के उम्मेद भवन के टिकट, बट 60 रुपये बेकार ही गए। अब ये एग्जिट की ओर है, क्या करें, अब जा रहे हैं हताश होकर के। किसी और जगह पे जाएंगे तो थोड़ा मन प्रसन्न होगा। बनाने में तो इसको खूबसूरत बना रखा है, बट जनता पब्लिक के लिए इसको कुछ भी ओपन नहीं कर रखा। भाई लोगों, अभी उम्मेद पैलेस से आए थे हम, निराश होकर के अपने मंडोर गार्डन में आ गए हैं हम। और यहाँ का जैसे कि देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे है,